हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, लड़कियां इग्नोर क्यों करती हैं। ये सवाल हर लड़के के दिमाग में जरूर आता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल PMP मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्यों लड़कियां आपको रिजेक्ट करती हैं? जरूरी नहीं कि सभी लड़कियों को हर लड़के से पहली नज़र में ही प्यार हो जाए। यहां कुछ बिंदु दिए गए हैं जो उन कारणों को बताएंगे कि लड़कियां आपको क्यों रिजेक्ट करती हैं। यह एक ऐसी बात है जिससे हर किसी को निपटना पड़ता है। दुनिया में सबसे कठिन काम ये समझना है कि लड़कियां आपको रिजेक्ट क्यों करती हैं और यह कैसे पता चलेगा कि वह आपको पसंद करती है या नहीं। अगर आप रिजेक्ट होने से थक गए हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। अगले लेख में हम आपको कुछ कारण बताएंगे कि लड़कियां आपको क्यों रिजेक्ट करती हैं और उनकी नज़र में उनका क्या मतलब है। इसे पढ़ने के बाद उम्मीद है आपको रिजेक्शन की बेहतर समझ होगी और यह आपके प्रेम जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। लड़कियां आपको क्यों रिजेक्ट करती हैं, इसके कई कारण हैं। यदि आप किसी लड़की के साथ डेट पर जाना चाह रहे हैं तो ऐसी कई चीजें हैं जो आप उसे अपने प्यार में पढ़ने के लिए कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हैं, जबकि कुछ नहीं हैं। यहाँ सबसे आम कारण है, एक, आपके आने का तरीका अच्छा नहीं था। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने क्रश से कैसे संपर्क करें और क्या कहें। बहुत से लोग अपनी पंक्तियों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जिससे वे अजीब और अटपटी लग सकती हैं। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जाने की कब बात करना बंद करना है और उसे वापस बात करने का मौका देना है। यदि वह आपसे बात करने में सहज महसूस नहीं करती है तो उसका दिल जीतने की संभावना कम है। दो, आप उसके सामने वास्तविक नहीं थे। ये सबसे आम कारणों में से एक है कि क्यों लड़कियां आपको अस्वीकार कर देती हैं। अगर उसे लगता है कि आप ईमानदार और सच्चे नहीं हैं, तो वह सोचेगी कि आप उसके लायक नहीं हैं। लड़कियों को किसी लड़के में ईमानदारी पसंद होती है, इसलिए अगर उन्हें लगेगा कि आपके शब्द और कार्य मेल नहीं खाते हैं तो वे आगे बढ़ना पसंद करेंगी। एक सच्चा और ईमानदार लड़का होना हर लड़की की कमजोरी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए उसके सामने वास्तविक बनना सीखें। तीन, आप उसके वाइब से मेल नहीं खाते। लड़कियों को एक खास तरह का लड़का पसंद आता है जिससे वे आकर्षित होती हैं। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो इस श्रेणी में नहीं है तो वे उससे विमुख हो सकते हैं और उससे दूर हो सकते हैं। वे शायद ये भी सोचे कि भविष्य में उसके पास एक अच्छा प्रेमी या पति बनने की कोई क्षमता नहीं है। अब बात करते हैं अपनी पसंद की लड़की से बात करने के तरीकों के बारे में। चार, उसने आपका नकारात्मक रवैया देखा। यदि आप उसके प्रति एक झटके की तरह व्यवहार कर रहे होते तो संभवतः वह आपके आसपास नहीं रहना चाहती। यदि वह देखती है कि कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है और नियंत्रण कर रहा है तो उसे उनसे भी सावधान रहना चाहिए। एक लड़की किसी लड़के को लेकर तब तक उत्साहित रह सकती है जब तक वह उससे नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही वह आपका नकारात्मक रवैया और बुरा रवैया देखती है वह आपको अस्वीकार कर देगी। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो प्यार के अलग अलग रूपों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छे होते हैं, न कि ऐसे लड़के जो नकारात्मक रवैया दिखाते हैं। पाँच, आपने खुद को अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं किया। आपको खुद को उसके समय ध्यान और प्यार के योग्य दिखाना होगा। आपको तुरंत अंदर आकर उस पर प्रहार करना शुरू नहीं कर देना चाहिए। इससे वह अपने बारे में असहज या असुरक्षित महसूस कर सकती है। इसके बजाय उसे क्या कहना है और वह अपने आसपास की चीजों के बारे में कैसा महसूस करती है, इसमें रुचि दिखाकर धीरे धीरे संबंध बनाने का प्रयास करें। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो खुद को अच्छे तरीके से पेश करते हैं, इसलिए जब भी आप उससे मिले तो ठीक से तैयार होना किसी लड़की को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है। छह, आप बहुत शर्मीले व्यवहार करते हैं। आप में पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है और वह आपके शर्मीलेपन से आकर्षित नहीं है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है
तो वह सोच सकती है कि वह उससे बात करने से डरता है या पहला कदम उठाने से डरता है। इससे वह एक हारे हुए व्यक्ति की तरह लग सकता है। यदि आप नहीं चाहते कि लड़कियां आपके बारे में ऐसा सोचें, तो अधिक बार बात करना शुरू करें और अधिक प्रगति करें। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी पसंद की लड़की से बात करने के विभिन्न तरीके सीखने के लिए आत्मविश्वास परामर्श सत्र में भी जा सकते हैं। क्यों को सम्मान और अटेंशन दें। और अगर आपको कोई लड़की इग्नोर करती है, तो उससे विनम्रता से पूछें कि बात क्या है। शायद आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए और हो सकता है कि वो आपकी दोस्त बन जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।